जय श्री राधे। कैसी है मेरी YouTube फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो मैं चली गई थी जलंधर, बस एक दो दिन के लिए घूम आई। और घूमना तो अभी बहुत ज़्यादा था, लेकिन ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और फिर मैंने सोचा कि चलो वापस आते हैं और बाद में कभी प्लान करेंगे घूमने फिरने का। तो थोड़ी सी मैंने वीडियो ली है वहाँ पे, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो तो मैंने बहुत लेनी थी, लेकिन वहाँ पे जो है वो वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे अंदर गोल्डन टेंपल में, जो अंदर का जैसे एंट्री होती है ना, तो वहाँ पे वीडियो बनाने नहीं देते हैं। फ़ोटो तो बहुत ज़्यादा ले लिए, बट वहाँ पे ना जैसे मैं वीडियो लगी थी बनाने अंदर जाके, तो उन्होंने फिर मतलब मेरा फ़ोन ले लिया और कहते कि वीडियो नहीं बनानी है। मैंने कहा सॉरी भाई, मुझे पता नहीं था। तो फिर वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी वहाँ से, और फिर बाहर का ही मतलब बाहर की मैं बना पाई हूँ, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, मतलब अभी मैं शेयर कर रही हूँ। और ठंड तो पंजाब में इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे तो धूप का तो नामो निशान नहीं है। धूप निकली थी वहाँ पे कोई 2-2.5 बजे के बाद, वो भी आगे जाके अमृतसर में गोल्डन टेंपल के पास। पीछे जब हम थे, मतलब मेन जो जलंधर है वहाँ पे थे, वहाँ पे तो धुंध इतनी ज़्यादा थी, इतनी मतलब ठंड के मारे तो बहुत बुरा हाल था वहाँ पे। और फिर वहाँ पे गए हम, जलियांवाला बाग भी गए, तो मतलब वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी थी, 2-2.5 बजे के बाद ही निकली थी धूप। तो इस तरह से बस दो दिन तो मतलब घूम फिर के आई। और चलो ऐसे जाना भी चाहिए था, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और चलो बेटा आया था और तो उसने बोला कि मम्मा आप जाए आओ, तो चलो यही होता है कि जब हमें कोई सपोर्ट करे ना, तो मन को बड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो कोई है हमारे लिए जो हमारे बारे में सोचता है। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, तो उन्होंने भी बोला मुझे कि तू घूम फिर के आओ। तो बस फिर घूम फिर के आ गई मैं। मैंने उनको बोला कि आप भी चलो, तो उनकी फिर मैं समझ सकती हूँ प्रॉब्लम, क्योंकि घर पे भी मुश्किल हो जाती है। और फिर चलो कभी टाइम लगा तो फिर अब उनके साथ जाएंगे घूमने फिरने। और आज मैं यहाँ बैठी हूँ उनकी शॉप पे, तो बस ये थोड़ा बाहर तक गए हैं, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। और वीडियो भी मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपसे। तो ठंड तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और देखो मैंने कैप वगैरह लगाया है। और मैं आई हूँ इनकी शॉप पे, तो बस थोड़ा सा काम था इनको, तो बोलते चल तू भी चल। और मैंने कहा चलो, मैंने भी क्या करना घर पे, तो मैं कहा चलो फिर चलते हैं। और अभी आ गए हम यहाँ पे, यहाँ भी ठंड बहुत ज़्यादा है। बारिश तो हुई थी 2-3 दिन पहले, पर इतना नहीं था, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हुई, रात को थोड़ी थोड़ी थी, हुई थी 2 दिन पहले, पर अभी ठंड तो बहुत ज़्यादा हो गई है। हेलो जी, राधे राधे। कैसी है मेरी YouTube फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं घूम रही हूँ जलंधर, जलंधर की सैर हो रही है, ये देखो आप। तो ये है गोल्डन टेंपल के बाहर का व्यू। जैसे गोल्डन टेंपल यहाँ से एंटर होते हैं, तो वहाँ पे तो अंदर वीडियो नहीं बनाने देते हैं, तो ये बाहर बाहर का जो मार्केट लगी होती है ना, वहाँ का बनाया हुआ है मैंने। ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है यहाँ पे। पहले जब गए थे हम 7-8-9 साल पहले गए थे, तब कुछ और तरह का था। अभी 8-9 साल के बाद आए हैं, तो ये इस तरह का बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे। सामान भी काफ़ी सस्ता था और बहुत एंजॉय किया मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ। ये है शिवानी और ये है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग की जहाँ से एंट्री होती है, ये वहाँ का है, मतलब जो अपना टेम्पल है ना उसके साथ।
तो ये म्यूजियम है जलियांवाला बाग का। तो यहाँ पे एंट्री बाहर तो नहीं दे रहे थे वीडियो बनाने पर, अंदर मैंने ली थी थोड़ी थोड़ी ये यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एकदम से गोलियाँ वगैरह चला दी थी इनको, मतलब एकदम से हो गया था यहाँ पे। और जो यहाँ पे एक कुआं भी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो उस कुएँ में भी मतलब जैसे गोलियाँ लगी थी ना, तो मतलब जो वहाँ के जो सैनिक थे, एक लोग जो थे वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ही मर गए थे। उन्होंने सभी ने जो था वो कुएँ में छलांग लगा दी थी, ऐसा कुछ है यहाँ पे। ये म्यूजियम है और ये देखो इस तरह से ये लगाया, और अंदर जो है वो बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग चला रहता है ये वंदे मातरम का। मौत का कुआं, मौत का कुआं है। हाँ, छाड़ा मारी है, गोलियां लगी है ना, और कुछ दूसरे थल्ले दब के मर गए। हाँ, तो फ्रेंड्स ये है वो कुआं जहाँ पे निहत्ते लोग जो थे वो उन्होंने छलांगे लगा दी थी और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मर गए थे। तो इस कुएं को बड़ा सा अच्छा मतलब इन्होंने बनाया हुआ है, जो मतलब हमारे तरह जो होते हैं घूमने आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो ये है जलियांवाला बाग, ये देखो आप, यहाँ घूम रहे हैं हम।